चलता है, या फिर एंट होती है, मूंगी मंटो अपन, वो भी एंट पानी पे चलती है, या अगर ग्रीस लगा के आप कोई नीडल लेते हो, छोटी सी नीडल लेते हो और उस नीडल को भी पानी के सरफेस पे रखते हो तो वो भी स्टेडी हो जाती है, या ब्लेड लो आपका, उसको अगर आप हॉरिजॉन्टली लेते हो, लेजर ब्लेड जो शेविंग के लिए आता है, वो ब्लेड अगर आप हॉरिजॉन्टली उस पे वाटर पे रख दो तो वो भी तैरता है। ये सारी चीजें किसके कारण, या फिर आप देखते हो कि सुबह सुबह वो जो बरसात के मौसम में या ठंडी के मौसम में आपने देखा होगा कि ग्रास पे छोटे छोटी पानी की बूंदे होती है, आपने देखा होगा त्याला आपण काय म्हणतो मराठी मध्ये, त्याला मला आठवत नाही आहे, ग्रास पे छोटी छोटी पानी की बूंदे दिखती है आपको, ओस म्हणतात त्याला, ओस की बूंदे बोलते हम उसको, तो वो आपने देखा है क्या, वो हमेशा उस पेज पत्तों पे जो बूंदे रहती है वो स्फेरिकल शेप की होती है, यानी उनका जो शेप होता है वो ऐसे सर्क्यूलर शेप की बनती है वो। तो ऐसा सब क्यों होता है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ सरफेस टेंशन, यानी लिक्विड में एक प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी को हम नाम क्या देते हैं, सरफेस टेंशन। हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे पहले, सरफेस टेंशन के बारे में। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि कुछ इसमें फोर्स अप्लाइड होते हैं, दैट इज द फर्स्ट फोर्स। आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में क्यों रहता है, क्योंकि उनमें उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज कम्पेयर टू द गैस। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सॉलिड में होता है, आपको पता है। यानी हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स रहता है वो कौन सा फोर्स रहता है, इंटरमोलिकुलर। लिक्विड में भी होता है लेकिन एज कम्पेयर टू सॉलिड बहुत कम होता है, ठीक है। अब इसी में हम दो टाइप के फोर्सेस ले रहे हैं इसी लिक्विड मॉलिक्यूल्स को लेके, ठीक है। तो पहला फोर्स आता है, दैट इज अ कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स आता है, कोहेसिव फोर्स। तो व्हाट इज मीन बाय कोहेसिव फोर्स, हम कोई भी दो मॉलिक्यूल्स ले एक ही सब्सटेंस के, किसके, एक ही सब्सटेंस के, तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। उसे हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, तो कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स और दूसरे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स ही उसमें डाल दें हम, तो वाटर अगर होता है तो इन दैट कंडीशन उसमें जो फोर्स रहेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा, तो कोहेसिव फोर्स रहेगा। सेम मॉलिक्यूल्स, एक ही सब्सटेंस के सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते होंगे, तो यानी ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो इन लिक्विड में जो फोर्स रहेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा, तो कोहेसिव फोर्स रहेगा। सेकंड आता है आपका, दैट इज एडहेसिव फोर्स। इसमें हम ये पूरी डेफिनेशन ऐसे की ऐसे ही जाएंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अ सॉलिड नहीं ऑफ अ सब्सटेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम के जगह यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, तो डिफरेंट सब्सटेंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स में, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, तो एडिसिव फोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ग्लास प्लेट लूँ और एक लिक्विड लूँ, यानी ग्लास प्लेट पे अगर मैं लिक्विड डालती हूँ, तो इसके मॉलिक्यूल्स, ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, ग्लास मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स बनेगा उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, दैट इज एडिसिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स रहेगा, दैट इज एडिसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ
डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एडिसिव फोर्स, उसे हम कौन सा फोर्स बोलेंगे एडिसिव। ये ध्यान में रखो, दो फोर्स कोहेसिव यानी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स रहेगा उसे हम कौन सा बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे हम कौन सा फोर्स बोलेंगे एडिसिव फोर्स। ठीक है, तो हम इसमें सरफेस टेंशन में ये दो फोर्स का ज्यादा काम आएगा, कोहेसिव फोर्स एंड द एडिसिव फोर्स। ठीक है, हम थोड़ी पहले डेफिनेशन कंसिडर कर लेते हैं, बाद में हम सरफेस टेंशन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी, दैट इज अ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। व्हाट इज मीन बाय रेंज? हम देखो, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है, ये दो मॉलिक्यूल्स है, इनमें ये जो डिस्टेंस है एक फिक्स रेंज में अगर डिस्टेंस रहा तो ही इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहा तो इन मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल हम गैस लेते हैं, गैस में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत रेयर रहते हैं, बहुत फ्लो करते हैं, यानी वो बहुत लंबे डिस्टेंस पे होते हैं, तो इन दैट कंडीशन उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। अगर मॉलिक्यूल्स में एक फिक्स डिस्टेंस पे अगर एक मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में आते हैं तो वहां पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स पे फोर्स अप्लाई कर पाता है, यानी इन दो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। उससे ज्यादा अगर उनमें डिस्टेंस रहा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे, तो मैक्सिमम रेंज उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज। ये जो डिस्टेंस है इसे हम नाम क्या देंगे, दैट इज रेंज। मैक्सिमम रेंज अप टू विच द मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्ट, मैक्सिमम रेंज अप टू विच द मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्ट, दैट रेंज इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर पाते हैं, या हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच दे गेट अट्रैक्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्ट, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इससे सपोज मैं बोलूँ कि ये इतने डिस्टेंस पे अगर आप रखते हो तो जनरली जो आपका सॉलिड सब्सटेंस आता है, सॉलिड सब्सटेंस में जो रहते हैं रेंज जो रहती है, सॉलिड सब्सटेंस की रेंज आती है 10^-9, सॉलिड और लिक्विड भी बोल सकते हैं हम, सॉलिड एंड लिक्विड में, किसमें, सॉलिड में और लिक्विड में रेंज कितनी होती है, दैट इज 10^-9 मीटर की। यानी इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर डिस्टेंस 10^-9 मीटर है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे, इससे ज्यादा अगर डिस्टेंस है तो ये एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है 10^-9 मीटर, दैट रेंज, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये आती है आपकी थर्ड डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन आती है, दैट इज, ये पूछती है, डेफिनेशन बहुत बार पूछा जाता है, सॉरी, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। What is mean by sphere of influence? A imaginary sphere with a molecule as a center. A molecule as a center. And range is a radius. Range is a radius. It's called sphere of influence. उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी क्या, देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये इन दोनों में की रेंज है, ये क्या है, रेंज है। रेंज कितनी, तो 10^-9 मीटर की। तो हम एक स्पीयर को सेंटर, अ मॉलिक्यूल एज अ सेंटर, मॉलिक्यूल को हम क्या कंसिडर करेंगे, सेंटर, और ये जो रेंज है 10^-9 मीटर इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, रेडियस। और ये सेंटर लेके और ये रेडियस लेके जो स्पीयर बनेगा, इस स्पीयर को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज अ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस स्पीयर के
आजू बाजू में अराउंड में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स ये इस मॉलिक्यूल्स पे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इस स्फीयर के रेंज में, इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स आते होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स इस सेंटर के मॉलिक्यूल्स पे क्या एग्जर्ट करते रहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स एग्जर्ट होते रहेगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो दैट स्फीयर इज कॉल्ड एज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अ इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल, विथ अ मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड रेंज एज अ रेडियस। That sphere is called as a sphere of influence. उसे हम कौन सा स्पीयर बोलते हैं, तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी, फिफ्थ डेफिनेशन आती है, दैट इज अ सरफेस फिल्म। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है, सरफेस फिल्म। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी सारी। ठीक है, अ सरफेस लेयर, a surface layer of a liquid with thickness equal to, thickness equal to range, thickness equal to the range of intermolecular force, that surface is called as surface film। उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म। यानी समझो, देखो ये एक मैंने सपोज ये एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये इसका सरफेस पार्ट है, इस सरफेस पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, और इसके नीचे भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसकी रेंज इतनी है, इसकी भी रेंज इतनी है, इसकी भी रेंज इतनी है, यहाँ पे यहाँ पे ऐसे। मैं अब सिंपली यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसिडर करती हूँ, देखो सारी नहीं लेती हूँ, सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेती हूँ। अब इसका आधा पार्ट पानी के ऊपर, ये आधा पानी के ऊपर है और आधा पानी के नीचे है, इसमें भी सारे मॉलिक्यूल्स है। अब इस मॉलिक्यूल के रेंज में, इस मॉलिक्यूल के रेंज में जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये सारे सपोज ये रेंज है, हमने ये सेंटर कंसिडर किया और रेंज हमने यानी 10^-9 रेंज कंसिडर की और यहाँ पे एक स्पीयर ड्रॉ किया, ऐसे यहाँ पे सेमी स्पीयर ड्रॉ होगा। इस सेमी स्पीयर के बीच में यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स आए हैं, तो ये रेंज इतनी है, इतनी है इसकी रेंज। तो इस रेंज तक के ये जो थिकनेस बनती है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल से ये जो थिकनेस बनी है इस रेंज के कारण, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स होगा, ये भी अपनी रेंज बनाएगा। इस रेंज में ये थिकनेस, इस थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, थिकनेस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दैट फिल्म इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म, उसे हम नाम क्या देते हैं, सरफेस फिल्म। मैंने क्या बोला, यानी हम ये मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल के आजू बाजू में ये इसकी रेंज है, ये हमने स्पीयर ड्रॉ किया, तो ये जो स्पीयर से ये जो रेंज बनी है, ये जो डिस्टेंस बना है, तो ये यहाँ से लेके ये रेंज तक के ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, इसकी भी रेंज इतनी है, इसकी भी रेंज उतनी है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, तो ये जो थिकनेस बनी है इसे हम क्या बोलते हैं, तो सरफेस फिल्म। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, तो सरफेस लेयर। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एक मिनट, हाँ मैं फिर से इसको बोल रही हूँ। हम सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं, ये मैंने कंटेनर लिया, इसमें मैंने तीन मॉलिक्यूल्स लिए, ये एक्स टू वाई इज एंड एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स टू एक्स डैश, ये क्या है आपकी सरफेस फिल्म है, सरफेस फिल्म है। ठीक है, और ये सरफेस फिल्म किसके बराबर होती है, तो रेंज के बराबर होती है, और रेंज कितनी होती है, 10^-9 मीटर। ठीक है, इस रेंज के बराबर मैंने तीन मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ए मॉलिक्यूल मैंने पूरा पानी में डुबोया है, बी मॉलिक्यूल्स का थोड़ा ही पार्ट एयर में है, आधे से ज्यादा पार्ट पानी में रखा हुआ है, और सी मॉलिक्यूल्स का मैंने आधा पार्ट एयर में रखा है और आधा पार्ट पानी में रखा है। अब ए मॉलिक्यूल्स पे कौन सा फोर्स लगता है मुझे बताओ,
यहाँ पे कौन सा लगता है? कोहेसिव। क्यों लगता है कोहेसिव? क्योंकि इसके आजू बाजू में जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो भी लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स है और ये भी लिक्विड का ही मॉलिक्यूल है। तो लिक्विड लिक्विड यानी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? कोहेसिव फोर्स। और ऑल डायरेक्शन में लगता है, हर एक डायरेक्शन में ए ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ऑल डायरेक्शन में, फॉर ए मॉलिक्यूल्स में ऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? तो कोहेसिव फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेसिव फोर्स। तो अगर इसमें अगर कोहेसिव फोर्स लगता है तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो होगा ना। हर एक डायरेक्शन से लग रहा है, पॉजिटिव निगेटिव सभी डायरेक्शन से लग रहा है, सभी डायरेक्शन से लग रहा है, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा? नेट कोहेसिव फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है यहाँ पे, अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो ये ऊपर जाएगा क्या? नहीं, ये कहाँ पे रहेगा? पानी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब बी मॉलिक्यूल पे बताओ मुझे कौन सा फोर्स लग रहा है। हाँ, कौन सा? आधा पानी में है, आधे से ज्यादा पानी में और आधे से थोड़ा सा कम किसमें है? एयर में है। यानी ऊपर के तरफ एयर मॉलिक्यूल्स है और नीचे के तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सी ही ऊपर है, यानी यहाँ पे जो लग रहा है अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन के बीच में, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे नीचे से कोहेसिव लग रहा है और अपर से कौन सा लग रहा है? एडिसिव लग रहा है। हाँ, डाउनवर्ड में कौन सा लग रहा है? डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है? तो कोहेसिव फोर्स। यहाँ पे जो ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये यहाँ तक के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ऊपर यहाँ पे वाटर का है, लेकिन इसके सरफेस पे यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल रहेंगे? एयर के मॉलिक्यूल रहेंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे कौन सा लग रहा है? कोहेसिव फोर्स। और यहाँ पे डाउनवर्ड में कौन सा लग रहा था? सॉरी, अपवर्ड में कौन सा लग रहा था? एडिसिव फोर्स। एंड डाउनवर्ड में कौन सा लग रहा था? कोहेसिव फोर्स। अब मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा रहेगा, कोहेसिव ज्यादा रहेगा या एडिसिव ज्यादा रहेगा? क्योंकि यहाँ पे आधे से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स। तो नेट फोर्स कहाँ पे लग रहा है? नेट फोर्स कहाँ पे लग रहा है उसका? डाउनवर्ड में लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? डाउनवर्ड में लग रहा है। अगर डाउनवर्ड में नेट फोर्स लग रहा है उसका, नेट फोर्स ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अगर इसका नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए ये आधे से ज्यादा पानी के अंदर है और थोड़ा सा ही पानी के ऊपर है। अगर ये ज्यादा होता तो ये ऊपर जाता, यानी एडिसिव फोर्स ज्यादा होता, तब भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से डाउनवर्ड पोजिशन में कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेसिव फोर्स। और अपवर्ड में कौन सा लग रहा है? एडिसिव। यही कंडीशन है सी फॉर सी के लिए। डाउनवर्ड में कौन सा लग रहा है? कोहेसिव फोर्स। और अपवर्ड में कौन सा लग रहा है? तो एडिसिव फोर्स। अब देखो, अब आप तो बोलोगे कि मैम इधर तो आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो सेम फोर्स लगना चाहिए दोनों इसमें। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं और एयर की डेंसिटी एज कंपेयर टू द लिक्विड लेस होती है। एयर डेंसिटी इज लेस देन लिक्विड डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी लेस होने के कारण यहाँ पे बहुत कम एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं इस सरफेस पे। इसलिए यहाँ पे फिर से कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स हो जाता है। यानी आपको एक ध्यान में आ गया होगा फ्रॉम ए बी सी मॉलिक्यूल से कि ज्यादातर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, अपवर्ड में कम लगता है। यानी ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो हर एक मॉलिक्यूल को कहाँ खींचने की कोशिश करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही खींचने की कोशिश करता है। हाँ, और इसके कारण क्या होता है? ये यानी इसके सरफेस पे भी जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है,
इनका हमेशा ये कोशिश रहती है, यानी इन्हें हमेशा नीचे वाले मॉलिक्यूल्स खींचने की कोशिश करते रहते, यानी इन पे एक टेंशन आते रहता है हमेशा कि मुझे कोई खींचेगा क्या नीचे से, मुझे कोई खींचेगा क्या नीचे से। तो इस तरह से यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो जाता है और उसे ही हम नाम क्या देते हैं, तो टेंशन। ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा वर्क करता है। ये कैसे वर्क करता है, ये जो सरफेस है वो कैसे वर्क करता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा। इसलिए वो जो मॉस्किटो है उसके लेग के नीचे देखो, वो जब चलता है, आपने बहुत अच्छे से एडमायर किया होगा उसको, ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो वो जब चलता है, या आप स्पाइडर भी चलती है पानी पे, तो आप उसके लेग के नीचे देखोगे तो डिम्पल गिरे होते हैं, उसके लेग के नीचे डिम्पल होता है। उसका पाव पानी में नहीं डूबता है, लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि वहां के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें, मैंने पहले ही बोला कि सरफेस के मॉलिक्यूल पे स्ट्रेच मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है, और ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन के कारण ही, यानी वहां पे एक टेंशन डेवलप हुआ होता है। चलो, यहां तक क्या आ गए थे हमने, मैंने ये बोला था आपको कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स नीचे के तरफ खींचे जाते हैं। इस रीजन से आपको पता चलेगा कि हर जगह कोहेसिव फोर्स ही ग्रेटर है। यहाँ पे भी कोहेसिव फोर्स ग्रेटर है, यहाँ पर भी ग्रेटर है, यहाँ पे तो नेट फोर्स कोहेसिव जीरो हो जाता है, तो ये तो अंदर के अंदर ही रहेंगे। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है इनमें कोहेसिव फोर्स है, और वो फोर्स हमेशा उसको कहाँ पे खींचते रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए इस सरफेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो कैसे वर्क करेंगे, एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया इसके पहले कि अगर आप इसको स्पाइडर को देखते होंगे तो उसके लेग के नीचे आपको डिम्पल दिखते हैं। उसका लेग पानी में या वो स्पाइडर पानी में नहीं डूबती है। क्यों नहीं डूबती है, क्योंकि वहां पे वो जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सरफेस पे, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो कैसे वर्क करते हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा। यानी हम उसको खींचेंगे भी तो फिर से वो ऐसे जमा हो जाएगा। जैसे हम रबर को देखते हैं, उसको हम खींचते हैं, बलून को हम फ्लो करते हैं, फुला देते हैं, जैसे हवा निकल लेते हैं फिर से वो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम उस पर टेंशन देने की कोशिश, यानी वो स्पाइडर लेग से टेंशन दे रही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स खुद को कैसे कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है। तो यानी इसी कारण ये जो टेंशन डेवलप होता है उसे ही हम नाम क्या देते हैं, दैट इज अ सरफेस टेंशन। इसे हम नाम क्या देते हैं, सरफेस टेंशन। और इस मॉलिक्यूल के पास लेस एनर्जी होती है, इसके पास लेस एनर्जी होती है एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। इसी के कारण अगर इसको अगर ऊपर जाना हो तो इसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और इसमें जो एनर्जी रहती है वो कौन सी एनर्जी रहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी होती है एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, सरफेस के मॉलिक्यूल के कंपेयर में, और इसी के कारण इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे टेंशन भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इनसाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा, इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हमेशा नीचे आने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टेंशन डेवलप होता है उसके कारण वो नीचे नहीं आते। अगर इनको नीचे आना है तो हमें नीचे से उसको, इस मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इसको हम एनर्जी देंगे तब ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ का मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा, ये उसके जगह चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसके पास फिर ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, तभी ये नीचे आ सकता है, नहीं तो तब तक के ये सरफेस पे खड़े रहेंगे। हाँ, भले इनको कोशिश रहती रहेंगी इनको कि नीचे आए नीचे आए, नीचे के मॉलिक्यूल्स खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपने स्ट्रेच मेम्ब्रेन के कारण फिर से अपने ओरिजिनल पोजिशन पे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। हम इसका कर्व डेफिनेशन देखेंगे सरफेस टेंशन की, और आगे का पार्ट डिस्क्राइब करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।